नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा गया है, एते गुणा प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृते समय तस्माद् योगम समादाय सर्व दुख बहिष्कृतः। अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो श्रम किया जाता है वह कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। प्रयत्नपूर्वक किया गया योग संपूर्ण दुखों का निवारण कर देता है। आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह स्वास्थ्य, सुख, शांति, समन्वय तथा कल्याण का माध्यम है। प्रारंभ से ही योग हमारी सनातन परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की परंपरागत विरासत योग को मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। दिनांक 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दुनिया के अधिकांश देशों ने योग के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम हर आंगन योग रखी गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को योग से जोड़ते हुए कल्याण एवं स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति है। प्रदेश में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिनांक 21 जून 2023 को व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 15 जून 23 से 21 जून 23 तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में योग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग व्यक्ति के साथ ही संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जो सदैव कुटुंबकम की हमारी भावना कोई भी वो भी अभिव्यक्त करता है। योग संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन का अनुशासन है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। अतः योग अवश्य अपनाएं, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आप सभी को एक बार पुनः 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।